हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो चलिए आज बनाते हैं यूनिक तरीके से गाजर का हलवा। इसके लिए ले लिया है मैंने ये आधा किलो गाजर और इसको मैंने छील के अच्छे से धो लिया है और ये ग्रेट कर लिया है। तो लगभग ये आधा किलो गाजर है और इसको अब मैं बनाऊंगी, वो भी बिना घी के। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इसको बनाऊंगी, तो इसके लिए चढ़ा दिया है मैंने गैस पे दूध। दूध लगभग ये 1 लीटर है और इस तरह से मैं इसको अच्छे से उबालूंगी। तो इसको उबालना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा ये अच्छे से उबल रहा है। और इसके बाद 2-3 उबाल आ गया है, इसमें अच्छे से उबाल लेना है। और इस टाइम पे गैस को कर दूंगी बिल्कुल स्लो और इसमें डाल दूंगी ये जो गाजर ग्रेट करके रखी थी वो डालना है। तो जब भी आप इस तरह से बनाएं तो दूध को अच्छे से बॉयल कर लें, उसके बाद गाजर डालें, नहीं तो दूध फट जाता है। तो इस तरह से सारे गाजर को मैंने इसमें डाल दिया है। दूध भी अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो 1 लीटर दूध में लगभग आधा किलो गाजर मैंने इस तरह से ग्रेट करके डाल दिया है और इसको मुझे अब इसमें अच्छे से चला लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये बन रहा है। और इसके बाद मैं मीडियम टू लो गैस पे इसको पका रही हूँ। तो इसको लगभग इसी में मैं 10 मिनट पकाऊंगी। तो देखिए बढ़िया सा ये थिक होना शुरू हो गया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती। देखिए कितना बढ़िया, देखिए पहले कलर आ गया है, कलर आ गया, इसकी थिकनेस देख लीजिए और दूध मेरा कितना आधा हो गया है। तो इस तरह से मैं इसको रेडी कर ली हूँ। अब डाल दूँगी इसमें चीनी। चीनी लगभग मैंने इसमें डाला है 100 ग्राम। आप चाहें, आपको मीठा पसंद ज़्यादा है तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा मैं इसको चला लेती हूँ। बिल्कुल दूध अच्छे से मेरा ये सूख रहा शुरू हो गया है, गाजर भी मेरा पक गया है। तो इस तरह से अब मैं इसको पलट लेती हूँ किसी नॉन स्टिक पैन में और इसको मैं और अच्छे से पका लेती हूँ। तो ये रबड़ीदार जो बनता है ना, इस तरह का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ मैंने इसको सर्व कर लिया है। गाइज आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक यू।